दरअसल पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान 13,000 का गांजा जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हुई है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आगे की जांच पे जुटी है। बकरा मंडी मोमिनपुरा परिसर में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान अवैध काम चल रहे हैं, ऐसी जानकारी तहसील पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर 1280 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 1300 रुपए बताई जा रही है। कल शाम को हम बकरा मंडी मोमिनपुरा एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस दरमियान हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि बकरा मंडी में कुछ इलीगल एक्टिविटी चालू है। उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हमने दो पंचों के साथ PSI स्वप्निल वाघ, ASI संजय दुबे और पतोक को वहाँ भेजे। हमारे पतोक को देख के बकरा मंडी टीम के शेड के नीचे बैठे हुए दो लोग एक बैग, सफ़ेद कलर की बैग लेके भागे। उनको दौड़ के पकड़े तो उसमें एक जो पकड़ा वो सोहेल खान उर्फ माया वल्त सिराज खान, उम्र 23 साल, बोरियापुरा गरीब नवाज मस्जिद के सामने मोमिनपुरा ये था। और उसके बैग को हमने खोल के देखे हमारे लोगों ने पंचों के साथ, तो वहाँ करीब 1.5 किलो गांजा हमको वहाँ से प्राप्त हुआ। उनको भगे हुए व्यक्ति का नाम पूछे तो उन्होंने बताया कि जो उसका पार्टनर भगा उसका नाम मुदस्सिन उर्फ गोलू अख्तर, उम्र 28 साल, बकरा मंडी मोमिनपुरा ये था। उसका रितसर कार्रवाई करते हुए उनको पुलिस स्टेशन में लाए और उनके खिलाफ आरोपी माया उर्फ सोहेल खान वर्द सिराज खान उम्र 23 साल बोरियापुरा मोमिनपुरा और फरार आरोपी मुदस्सिन उर्फ गोलू अख्तर उम्र 28 साल बकरा मंडी, इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन तहसील में FIR नंबर 435/2021 कलम 20B 29 NDPS एक्ट अंतर्गत कार्रवाई की। आज रोज ही विद्यमान कोर्ट से आरोपी सोहेल खान का PCR प्राप्त किया। आरोपी का सोहेल खान का 24 तारीख तक PCR प्राप्त हुआ है। इस PCR में ये गांजा कहाँ से लाया था इसकी हम इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे और इसी साथ जो फरार आरोपी गोलू है उसको भी पकड़ेंगे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है तो एक आरोपी भागने में सफल हुआ है। पकड़े गए आरोपी का नाम सोहेल खान और माया वड़ो सिराज खान, उम्र 23 साल, मोमिनपुरा गरीब नवाज मस्जिद निवासी है। इस मामले की आगे की जांच में पुलिस जुटी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।